नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। सीधे रुख करेंगे बड़ी खबर का। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। ट्वीट किया है उन्होंने और लिखा कि कांग्रेस की राजमाता, आप अपने कुनबे को संभालिए ना, आपकी रूठी हुई राजनीतिक संतानों को हम अपनों के हिस्से का कितना प्यार लुटाते रहेंगे। यदि नहीं संभलता तो किसी दिवालिया फर्म की तरह कांग्रेस का शटर डाउन क्यों नहीं कर देते, जिससे आप और देश दोनों ही सुकून में रहेंगे। जयभान सिंह ने इस ट्वीट के जरिए कई निशाने साधे। कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ साथ ही वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो प्यार बीजेपी नेताओं को मिलना चाहिए वो प्यार सम्मान कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से ट्वीट किया है बीजेपी के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने ये ट्वीट किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शैलेंद्र सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जयभान सिंह का ये ट्वीट जिसके दो इशारे हैं, एक तरफ तो कांग्रेस पर वो तंज कस रहे हैं, दूसरी तरफ जो बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस के जितने भी लीडर उनको ज्यादा तवज्जो मिलना, ये भी इशारा है उनका। देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिस तरीके से जयभान सिंह पवैया का एक ट्वीट है। जयभान सिंह पवैया मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए एक सशक्त नेता माने जाते हैं और वो जो लिखते हैं उसके अपने कुछ अलग मायने होते हैं और यही कारण है कि जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घटनाक्रम हुआ, सिंधिया के साथ कुछ समर्थक उनके बीजेपी को ज्वाइन किए, उसके बाद जो घटनाक्रम राजस्थान में भी चल रहा है उसको भी लेकर है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है कि ऐसा ना हो कि अपनों की जगह दूसरों पर प्यार लुटाने के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी में कुछ स्थितियां खराब हो जाए। ये एक तरफ इशारा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तो उन्होंने सीधा निशाना साधा ही और कहा है कि आप अपने कुनबे को संभालिए क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है वो लगातार टूटते जा रहे हैं, अंतरकलह लगातार बढ़ता जा रहा है। तो राजनीति उनके ट्वीट से कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही है। जिस तरह आप शैलेंद्र में आती हूँ आपके पास, रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, सीधे उनसे बात करेंगे। रवि जी स्वागत है आपका। जयभान सिंह ने एक ट्वीट किया है, अगर आपने भी देखा हो तो सीधे तौर पर वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं कि अगर आपका कुनबा आपसे नहीं संभल रहा है तो दिवालिया फर्म की तरह सरेंडर कर दीजिए। देखिए जयभान सिंह पवैया जी लगातार उन गद्दार कांग्रेसियों पे निशाना साध रहे हैं जो उनकी पार्टी में जा रहे हैं और उनकी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनका हक छीन रहे हैं। उन्होंने पिछला एक बात भी कही कि वो ग्वालियर आते हैं तो झांसी की रानी के की प्रतिमा पर क्यों नहीं जाते, वहां पर क्यों श्रद्धा सुमन नहीं चढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जयभान सिंह पवैया जी जो है इस समय जिस तरह से गद्दार लोगों को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान दिया जा रहा है, मंत्री पद दिया जा रहा है, निगम मंडलों में उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनसे वो बहुत आहत है और इसीलिए वहां पर इस तरह की बातें हो रही हैं, इसी तरह की बात वो कर रहे हैं। वो उनका उनका खुद का जो है जिसे कहना चाहिए फ्रस्ट्रेशन है जो वो बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन में वो एक पंथ से दो कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो यही बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने कुनबे को संभालना चाहिए, इतने लोग टूट क्यों रहे हैं ये भी उन्होंने सवाल किया। मेरा ये कहना है जो टूटने वाले बात होती है, जो बिकाऊ होते हैं वो कहीं भी बिकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे अन्य दल हो, सभी जगह इस तरह के लोग हैं जो अपने स्वार्थों के लिए जनता के मत का अनादर करते हैं और ऐसे लोगों को फिर सबक भी मिलता है, जिंदगी भर वो हाशिए पे चले जाते हैं, उनकी राजनीति समाप्त हो जाती है। आप उठा के देख लीजिए, चाहे उमा भारती जी हो, बड़े शान से निकल के गई थी बीजेपी से, फिर आखिर में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी में वापस लौटना पड़ा। ऐसे ही कांग्रेस के कई नेता हैं जो बड़ा सीना फुला फुला के कांग्रेस से बाहर गए थे, बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, आखिर में घुटनों के बल वापस कांग्रेस में आना पड़ा। तो ये तो मैं कहूंगा कि जयभान सिंह पवैया जी जो है उनका जो फ्रस्ट्रेशन है कि कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, उनको मंत्री बनाया जा रहा है, उनको निगम मंडलों में एडजस्ट किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो बहुत आहत अपने आप को महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और वहां पर उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ये बीजेपी के लिए भी खतरा है? बीजेपी का तो अब बीजेपी बची का है, बीजेपी का तो कांग्रेसीकरण हो गया, वहां तो अब कांग्रेस के जो गद्दार है उन्होंने कब्जा कर लिया है, अब वहां बीजेपी बीजेपी बची नहीं है। बीजेपी का जो
समर्पित कार्यकर्ता है वो तो हाशिए पे ढकेल दिया गया है, उसकी कोई पूछ परख नहीं है। कल ही बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने ये बात कही है कि अब हमारे लिए तो सो बहाने, और अगर कांग्रेस से लोग आते हैं तो उनको जो है आप बड़े बड़े पद दे देते हैं। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना होगा कि आखिर वो किस दिशा में जा रहे हैं। जो चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे, जो सिद्धांतों की बात करते थे, जो कॉडर बेस्ड पार्टी होने का दंभ भरा करते थे, आज उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि वो बीजेपी की ओर से ये भी तो कहा जा रहा था कि हद तक गर्भ में गिरने को तैयार है। जी, बीजेपी की ओर से ये भी तो कहा जा रहा है सर कि वो खुद अपने आप आ रहे हैं, वो कांग्रेस छोड़कर आना चाहते हैं क्योंकि अब वहां तो कुछ बचा नहीं, इसीलिए सोच रहे हैं कि शायद बीजेपी में कुछ मिल जाए। अच्छा मुझे आप बताइए, अगर वो कुछ छोड़ के आ रहे हैं तो आते से ही आप उनको मंत्री पद क्यों दे रहे हैं? उनको आते से ही आप निगम मंडलों में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्यों बना रहे हैं? तो किसी लालच में ही आ रहे हैं ना। आप लालच दे रहे हैं तो आप निश्चित रूप से लोगों को अपने यहाँ बुला रहे हैं इसी तरह की बातें कर करके। और कांग्रेस पार्टी में क्या नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो शाश्वत सत्य है। कांग्रेस पार्टी सालों साल पुरानी पार्टी है, आज हम 1500 साल पुरानी पार्टी है, कोई हम आजकल की पार्टी नहीं है। और बीजेपी तो कई चोटों पर बन चुकी है। रवि जी, आपने कुछ सवाल भी उठाया तो उसका जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ राजेश सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। जय भान जी का ट्वीट आपने पढ़ा होगा, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो उनके जो ट्वीट है उसके मायने आप भी देख रहे होंगे। एक तरफ वो कांग्रेस पर तो निशाना साध रहे हैं कि भाई आपके वहां से जो टूट कर लोग बीजेपी में आ रहे हैं उनको संभालिए, लेकिन उनकी एक परेशानी और निकल कर आ रही है। वो कह रहे हैं कि अपनों का प्यार वो बट रहा है, अपनों के हिस्सों का कितना प्यार लुटाते रहेंगे, ये दर्द उनका दिखाई दे रहा है। राजेश जी, नहीं कांग्रेस, अभी मैं सहमत हूँ, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और देश की आजादी में कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस ने 55 साल देश पर शासन किया है, देश की सेवा भी की है, लेकिन मजबूत विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है। और ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे जो उसका क्षरण हो रहा है, जो रसातल की ओर जा रही है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी ये अच्छे संकेत नहीं है। अब आप देखिए, कांग्रेस लगातार प्रदेश में तमाम खबरें चल रही है, मध्य प्रदेश पहले उन्होंने निपटा दिया, अब राजस्थान के नंबर लगा दिए। पर आप देखिए, ये नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस पार्टी को देख कौन रहा। सोनिया गांधी की के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली, ये बात सही है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन बाद में उन्होंने जब से राहुल जी बने फिर वो खुद बनी। कांग्रेस की स्थिति जितनी दयनीय होती जा रही है ना, सबके लिए चिंता की बात है। और पवैया जी ने, जयवान सिंह जी ने जो ट्वीट किया है, ये इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी को संभालिए ना, देश के लिए संभालिए, कांग्रेस पार्टी के लिए संभालिए, खुद के लिए संभालिए, अपने बच्चों के लिए संभालिए। लेकिन रवि जी हमारे साथ बने हुए राजेश जी, वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी में बीजेपी वाले लोग को कम तवज्जो दी जा रही है, वहां पर कांग्रेसीकरण होता जा रहा है। अरे नहीं, देखिए आप, जो मंत्रालय, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, जो मंत्रालय बने बटे, जो मंत्री बने, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी चल रही है, आप देखिए एक सिंपल सी बात है कि 22 विधायकों ने ज्योतिराज सिंधिया जी के कहने पर कांग्रेस पार्टी छोड़ी, अपनी विधायक छोड़ी, आदमी सरपंच ही नहीं छोड़ता। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता इसके लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक जयवान सिंह जी के सवाल है, तो उनकी जो खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्वालियर विधानसभा, जहां से प्रद्युम्न सिंह छोड़ के आए, अमीरा जी ने उनको साथ दिया और कहा कि हम आपको चुनाव जिताएंगे। और हमारा नीचे का मतदान केंद्र कार्यकर्ता इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जितने वोटों से वो पिछले बार जीते थे उससे ज्यादा वोटों से हम चुनाव जिताएंगे उन लोगों को, क्योंकि उनके कारण सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, कार्यकर्ता का परिश्रम के कारण नहीं बनी है। और इसलिए हमारे यहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, और किसी भी कार्यकर्ता के मन में कोई बात नहीं है। तो फिर जयभान जी के ट्वीट को क्या समझा जाए? आपने हमारे लिए कुर्बानी की, हम आपके सम्मान की रक्षा करेंगे। जयभान जी के ट्वीट को क्या समझा जाए? अपनों को ही तवज्जो नहीं दे रही है पार्टी, पार्टी में इतने सालों से लोग लगे हुए हैं, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। जो भी कांग्रेस से शामिल हुए हैं उनको आपने मंत्री पद से नवाज दिया, यही तो सवाल खड़ा कर रहे हैं जयभान कहीं ना कहीं इशारों में। रवि जी भी यही कह रहे हैं। जयवान सिंह जी ने सवाल खड़ा नहीं किया, वो सोनिया जी कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए और कांग्रेस पार्टी को टूट मत दीजिए, वो ये कह रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी लगातार खत्म होती जाएगी, आदमी अपने भविष्य की चिंता को लेकर के, भविष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आएगा। ये बात तो सही है, राजनीतिक दल है, जैसे मध्य प्रदेश है 230 विधानसभा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, 29 लोकसभा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, सारे जो दायित्व और पद हैं ये तो सब सीमित और निश्चित है ना। और इसलिए उसमें निश्चित रूप से कुछ, अब जो कांग्रेस से लोग आएंगे हमारे यहाँ कुर्बानी देकर के आएंगे,
उनके सम्मान की रक्षा हमारा कार्यक्रम। रवि जी, रवि जी जो कुर्बानी देकर आ रहे हैं बीजेपी में, उनके सम्मान करना उनका अधिकार। ये बीजेपी जो है ना बड़ी बगला भगत पार्टी है, आपको मालूम है इनका चाल चरित्र चेहरा आपने समझ लिया, गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते हैं। देखिए कैसे वो जो गद्दारों को कह रहे हैं कुर्बान की कुर्बानी दी है, वाह क्या बात है, कौन ना मर जाए इस सादगी पे खुदा है, क्या बात है क्या बात है। अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो, कार्डर बेस्ड पार्टी होने का दंभ भरने वाले लोगों कुछ तो शर्म कर लो, अपने आप को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की पार्टी के लोगों जिन्होंने जीवन में अभी भी इस तरह के काम नहीं किए, जो आज आप सत्ता लौटता के लिए सत्ता की चाशनी चाटने के लिए आज किसी भी हद तक गिर रहे हो। कश्मीर में जाके महबूबा से हाथ मिला लेते हो, वो महबूबा जो आतंकवादियों की समर्थक थी, वो कश्मीर जिसके अंदर एक विधान और एक निशान की बात का विरोध करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके साथ जाके आपने सत्ता की चाशनी चाटने के लिए उनके घुटनों के बल बैठ गए, और यही आप जो है हर प्रदेशों में कर रहे हो, लोगों को खरीद रहे हो, फरोख कर रहे हो, सर्वआम नीलामी हो उसकी हत्या कर रहे हो, और आज यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? आज पूरी भारतीय मेरा कहना ये है, कांग्रेस पार्टी जहां तक मध्यप्रदेश का सवाल है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस खत्म कर दी खुद के व्यक्तिगत चरित्र के कारण। आप देखिए ज्योतिराव सिंधिया को हमने सम्मान दिया, हमने उसकी बात सुन ली, तो इनको तकलीफ हो रही, कांग्रेस खत्म होती जा रही है, उनको हंसी आ रही है, कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनको भारतीय जनता पार्टी की चिंता। चलिए ठीक है, बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और बातचीत के लिए, रवि जी आपका भी, राजेश जी आपका भी, और शैलेंद्र भी तमाम जानकारी दे रहे थे हमें, और आपका भी शुक्रिया।